धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि जो अभी चार बिल हमने पास किए हैं उसी बिल को समर्थन करने के लिए ये चेंजेज आवश्यक थे कानून में, और इस कारण से सरकार इसको लेकर आई है। और आजादी के बाद इतना बड़ा चेंजेस किसी टैक्स लॉ में आज तक नहीं हुआ, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है, मैं उसको बधाई देता हूं। लेकिन चेयरमैन सर, जब अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं तो बिल पर ही बोलूंगा और बिल के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें कही मुझे बड़ा आश्चर्य लगा सर। जैसे इस बिल में एक संशोधन है सीएसटी पर, और सीएसटी में वो कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ए न्यू आर्टिकल 269A हैज बीन इंसर्टेड विच प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, और कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेयर्ड गुड्स डिलीटेड, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट था डिलीटेड गुड का वो इसमें डिलीट किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो डिलीटेड आर्टिकल 286(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू डिक्लेयर एनी गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस एंड सब्जेक्ट टैक्सेशन ऑन सच गुड्स टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, दस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेयर्ड गुड्स हैज बीन डन अवे विद, दिस नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन सेंट्रल सेल्स एक्ट, और इस कारण से यह संशोधन लेकर आया है। लेकिन इतनी बातों के बाद आप समझिए समस्या क्या हुई सर। सीएसटी का जो इतना बड़ा ये है, मैं आपको बताऊं कि मैं सुशील मोदी साहब इसके चेयरमैन थे और हम लोग सभी इसके मेंबर थे सर, और भर्तरी माताब साहब भी उस कमेटी में थे। हम लोगों की कमेटी के सामने वो आए, इन्होंने जो कहा, मतलब कांग्रेस का जो हाथी का दांत है कुछ देखने का, कुछ दिखाने का, कुछ खाने का, कुछ खिलाने का, इन्होंने क्या किया सर? अविश्वास किस लिए हुआ? नॉन कॉपरेशन किस लिए स्टेट में डेवलप हो रहा है? किस लिए इस तरह की समस्या हुई कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को चाहकर भी हम उसके अंडर नहीं ला पा रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि आज भी 50-55% टैक्स का रेवेन्यू जो है स्टेट अपने पास रखना चाहता है? क्या ऐसा कारण है कि ये इतना डिले होता है राज्य? इस डिले की वो बात कर रहे हैं, मैं तो उसके ऊपर जाऊंगा कि डिले कितना हुआ। मैं आपको सुशील मोदी साहब ने जो हमारे कमेटी में कहा वो मैं केवल पढ़ रहा हूं सर। श्री सुशील मोदी, चेयरमैन एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, इन हिज पोस्ट इविडेंस रिप्लाई हैज स्टेटेड दैट देयर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स on account of non-payment of CST compensation to the states. The states feel that they have to go with a begging bowl for the CST compensation to the center asking for compensation. So that states want that in Article 279A for GST Council itself, there should be a provision for the GST compensation mechanism so that GST compensation can be recommended by the GST Council. क्या कर रहे हैं मंत्री? आपकी सरकार में आकर जब हमारी कमेटी के सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने राज्य के साथ कुछ बातें कर ली, आपने कहा कि जल्दी से जल्दी वैट के बाद हम जब जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, और इस सरकार ने कमिट करके, ये सॉवरेन सरकार है सर, यदि भारत सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं होगा तो किसके ऊपर भरोसा होगा? और इस सरकार ने सीएसटी कंपनसेशन देना राज्यों को बंद कर लिया। यहां बैठे हुए हैं कल्याण बनर्जी साहब, यहां बैठे हुए हैं भर्तरी महताब साहब। राज्य क्या करेगा? राज्य यदि केंद्र कहेगा कि हम तुमको पैसा देंगे और पैसा देने को तैयार नहीं होगा। यह जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, माननीय मोदी जी की जब सरकार बनी उसने इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म किया। सीएसटी कंपनसेशन का जो 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया था वो उसने राज्यों को डिफ्यूज किया, उसने उसको दिया, और उसके बाद यह जीएसटी में आगे बढ़ा। जीएसटी की जो कहानी है वो इतनी अद्भुत है कि मैं आपको यदि बताऊंगा तो बहुत बहुत आश्चर्य होगा सर। इसीलिए सर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ। ये बेसिकली जीएसटी का इतिहास क्या है।
जीएसटी का इतिहास, जीएसटी का इतिहास जो है ये उसी का तो सीएसटी कंपनसेशन के लिए कहा ना मैंने, तो ठीक आर्टिकल 269A की तो बात कर रहा हूं, इससे कंसीक्वेंसेस अमेंडमेंट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अमेंडमेंट किया है, ये अमेंडमेंट क्या है, ये अमेंडमेंट ये है, पहला अमेंडमेंट है कि डिफिनेशन ऑफ कस्टम एरिया, डिफिनेशन ऑफ कस्टम एरिया में करंटली जो कस्टम एक्ट है 1962 का, उसमें जो कस्टम एरिया में जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स है उसमें वेयर हाउस को जो है आप इंक्लूड नहीं करते, इसमें वेयर हाउस को इंक्लूड करने की बात है। यदि आप समझिए कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कहीं आप गुड्स रखने जाएंगे, सर्विसेज देने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए वेयर हाउस की कितनी आवश्यकता है, और उसके लिए ये अमेंडमेंट आप समझिए कि ये सरकार लेकर आई है। और उसके पीछे जो रीजन है सर, मैं आपको बता रहा था कि हुआ क्या, फाइनली ये हुआ क्या कि 2003 में एक टास्क फोर्स बनता है केलकर साहब के नेतृत्व में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कांग्रेस जो है हमेशा बहुत दावा करती है कि हम जो है ये लेकर आए, हम जीएसटी लेकर आए, जीएसटी हमारा बिल है, और उसने जो कहा कि वैट के प्रिंसिपल के आधार पर, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त कई एक राज्य जो है इसी कारण से जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, उनको ये भरोसा नहीं हो रहा था कि हमको जैसे पैसा जो मिलता है, हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो ताकत है, हमारा जो पावर है विधानसभा का, वो सेंटर यदि ले लेगा, सेंटर यदि ले लेगा, क्योंकि आजादी के समय भी इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा चल रही थी तो इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी, और इसके आधार पर जब आगे आगे हम आगे बढ़े तो 2003 में 13th फाइनेंस कमीशन में केलकर साहब ने यह कहा कि वैट के रिकमेंडेशन के आधार पर अपने को जीएसटी बनाना चाहिए। और उसके बाद 2006-07 में इस सरकार ने सर एक प्रपोजल फाइनेंस बिल में लाया, फाइनेंस इसमें कि हम जो है जीएसटी जो है लागू करेंगे, वैट को रिप्लेस करके हम जीएसटी लागू करेंगे। यह सरकार 2009 में आप समझिए कि बिल लेकर आ पाई, और ये 2010 में ये इंट्रोड्यूस कर पाई, और ये जब हमारी कमेटी के सामने गया तो हमने 2013 जुलाई को, जब यशवंत सिन्हा जी जिस कमेटी के चेयरमैन थे, 2013 में हमने सभी चीजों को क्रॉस करते हुए इनको दे दिया। 2013 जुलाई के बाद से इन्होंने कोई काम नहीं किया, आप ये समझिए कि एक साल तक ये राज्यों को समझा नहीं पाई। और राज्यों का कंसर्न क्या था, इस बिल में जो अमेंडमेंट आया है उसमें राज्यों के जो उस वक्त के कंसर्न थे उसको जो है ये किया है, राज्य किस लिए चाहते थे कि हमको ये जीएसटी की आवश्यकता नहीं है, उनको ये लग रहा था कि जो चेंज करेंगे, जो विजय केलकर साहब का प्लान था, विजय केलकर साहब ने कहा कि द चेंज ओवर टू जीएसटी इज डिजाइन टू बी रेवेन्यू न्यूट्रल एट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कंप्लायंस, गिवन द डिजाइन ऑफ द फ्लॉलेस जीएसटी द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल ओनली बी पास थ्रू फॉर द जीएसटी, फर्दर गिवन द सिंगल एंड लो रेट ऑफ टैक्स द बेनिफिट फ्रॉम इवेजन विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, therefore there will be a little incentive for the producer and distributor to evade their turnover, accordingly this policy initiative should witness a higher compliance and an upsurge in revenue collection, this will also have an indirect positive impact on direct tax collection, further given the fact that GST will trigger an increase in the GDP, this in turn would yield higher revenue even in the existing level of compliance. ye GST ka पूरा का पूरा जो है उद्देश्य था, लेकिन राज्य जो है, राज्यों को यह लग रहा था कि ये जो सरकार कह रही है, सरकार इस चीज के ऊपर जो है स्टिक ही नहीं करती है, और स्टिक नहीं करने के पीछे जो उसका उद्देश्य था, उसका यह कहना था कि इससे प्राइसेस जो है सूटअप होंगे, जो फाइनेंस एक्ट 2001 में और 2005 में जो एक बड़ा चेंजेस करने की बात आई है, जिसका क्रूड ऑयल की बात कहे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कहे, उसके पीछे जो रीजन था सर कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सेनवेट एंड सर्विस टैक्स वुड बी रिमूव्ड, जिसके कारण कि ये चेंज लेकर आया गया है, विथ ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ सेट ऑफ फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट्स ऑफ रिटेलर्स पॉइंट, मेजर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस वुड बी सब्स्यूम्ड इन जीएसटी एंड सीएसटी विल ऑल्सो बी फेज्ड आउट, द फाइनल नेट बर्डन ऑफ टैक्स ऑन गुड्स अंडर जीएसटी वुड इन जनरल फॉल, और क्या होगा,
ये जो वेयरहाउस वाला मैंने आपको चेंज किया है 2001-2005 के फाइनेंस एक्ट का, और उसमें मैं बताऊंगा कि रबर एक्ट का चेंज होने के पीछे क्या उद्देश्य है, सुगर एक्ट के सुगर सेस के होने के ऊपर क्या उद्देश्य है, क्योंकि अभी जब मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को सुन रहा था कि सेस के ऊपर, क्योंकि 13 एक्ट जो है इसमें वो रिपील कर रही है हमारी सरकार से, और 13 एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन कौन सा एक्ट वो चेंज कर रही है, और उसके ऊपर उनकी जो सोच है कि ये क्यों लेकर आए, ये चेंजेज जो है वो क्यों लेकर आ रहे हैं, उसके पीछे जो रीजन है कि अभी भर्तरी महताब साहब जब एक दिन बोल रहे थे, हम लोग दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते सर, एक तो कहते हैं रेवेन्यू फॉरगॉन, लगातार कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन इसके ऊपर चलता है कि रेवेन्यू फॉरगॉन जो है प्रत्येक साल लगातार सरकार की जो पॉलिसी है वो बढ़ रही है, चाहे डायरेक्ट टैक्स के कारण बढ़ रही है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स के कारण बढ़ रही है, और दूसरा यह है कि स्टेट को जो बंटवारा होना चाहिए पैसे का उसमें जो सेस है वो सेस के आधार पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को कलेक्ट करती है तो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, और इसमें जो जीएसटी का जो मेन फंक्शन है कि राज्य भी अपने कुछ अधिकारों को छोड़ रहा है और केंद्र भी अपने कुछ अधिकारों को छोड़ रहा है, जब राज्य और केंद्र दोनों अधिकारों को छोड़ रहा है तो दोनों का जो बंटवारा है पैसे का वो बराबर बराबर होना चाहिए, और जो स्टेट 5 साल के लिए, मान लीजिए 5 साल इसमें एक क्लॉज दिया गया है कि 5 साल तक जो राज्य नुकसान में रहेंगे उन राज्यों को एडिशनल पैसा, क्योंकि उनको रेवेन्यू न्यूट्रल बनाना है, उनको कहीं से नुकसान नहीं हो, उसके लिए सिन टैक्स लगाया गया है, सिन टैक्स ये लगाया गया है, मान लीजिए किसी टोबैको प्रोडक्ट में लगाया गया है, कोई लग्जरी कार यदि कोई खरीदना चाहते हैं या कोई और भी चीजें हैं इस तरह के, एनवायरमेंटल टैक्स यदि हो सकता है जो 28% से ज्यादा है जो वो पैसा उसमें आएगा उसको वो पैसा देने की बात है। मैं आश्चर्य में ये रहा कि जब केंद्र बड़ा ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो राज्यों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, राज्यों को सहयोग देने की बात कर रहा है, नहीं सहयोग देने की बात कर रहा है मतलब अपने साथ लेने का प्रयास कर रहा है, और सॉवरेन उनको गारंटी दे रहा है, और जो पुलिंग है मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए आप समझिए कि हम ट्रांसपेरेंटली जब आगे बढ़ रहे हैं, और इसी कारण से जो सेस का जितना भी है, जितने भी चाहे सुगर एक्ट है चाहे रबर एक्ट है चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्ट है चाहे कल्याण दा आपके यहाँ जूट सेस एक जो हुआ करता था, जूट की कंपनियां तो काफी हद तक बंद होती रही हैं, जूट एक्ट है, तो क्या ऐसा कारण है कि उसका हम विरोध करें, उसका तो समर्थन करना चाहिए सबको कि एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट जो है सिस्टम आप डेवलप करने का, नहीं नहीं यही आपके आपके जो भी आपके जो आपके जो आपके जो वक्ता हैं वो मैं आपको कह रहा हूं कि वो जी कैसे कहां अपोज कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं अभी सेंट्रल सेस के ऊपर उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कारण है कि आप जो पानी का टैक्स जो लग रहा था क्यों आप उस सेस को खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने जो बातें कही इसमें आप देखिए कि कौन कौन से 13 लॉ थे, देखिए कल्याण दा क्या क्या 13 लॉ थे, रबर एक्ट 1947 उसका जो क्लाउज 1 और सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 12 है इसको सरकार अमेंड करने के लिए लाई है, रिपील करने के लिए लाई है, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 का सेक्शन 9 रिपील करने के लिए लाई है, टी एक्ट 1953 का, कितने पुराने पुराने कानून है, क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 एंड 26 एंड क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 इसको रिपील करने के लिए सरकार लाई है, द कोल माइंस कंजर्वेशन एक्ट 1974 सेक्शन 6 7 एंड 8 उसको रिपील करने के लिए सरकार आई है, बीडी वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, ये पूरे देश भर को पता है कि बीडी जो है वो गरीब आदमी ही पीता है, बीडी में जो मजदूर लगे हुए हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है सबसे गरीब तबका जो है जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है वो बीडी वर्कर बन रहा है, आप समझिए कि आप गांव गरीब और किसान का जो है विरोध करने के लिए आए हैं उसका पूरा का पूरा जो सेस है उसको इसको रिपील करने के लिए सरकार आई है, इसके बाद जो सुगर सेक्स एक्ट है 1982 का क्यों, नहीं नहीं ये जो बीडी वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट है, ये बीडी वेलफेयर सेस एक्ट
लिए है ना, मैं ये कह रहा हूं कि वेलफेयर सेस जो ले रही थी, वेलफेयर सेस जब ले रही थी तो केंद्र सरकार कई एक जगह ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ बीड़ी वर्कर सबसे ज्यादा है, यहाँ श्यामाचरण गुप्ता साहब है, उनकी भी फैक्ट्री वहां है, वो आप ये बताएं कि उनको जो है उनको हॉस्पिटल चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, उनको हॉस्पिटल चाहिए, उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, उनको मकान चाहिए, उनको मकान नहीं मिल रहा है, और ये पुलिंग में जो पैसा है, वो पुलिंग में पैसा जो मंत्री जिस तरह से यहां बैठते हैं, वो मंत्री कहां पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उस हिसाब से तय करते हैं, वो एरिया के हिसाब से तय नहीं होता है, और इस कारण से इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम था, नहीं ये 10 साल तक यही होता रहा है ना, मैं 10 साल तक तो यही लड़ाई लड़ता रहा, हमारे यहाँ यूपीए की जब सरकार थी, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बीड़ी वर्कर है, मैं आपको बताऊं कि चाहे वो संथालपुरा का पूरा इलाका हो, आपका उड़ीसा का इलाका हो, बीड़ी वर्कर छत्तीसगढ़ हो, वो बीड़ी वर्कर की संख्या वहां ज्यादा है, और वो लगातार मकान के लिए प्रयास करते रहे, उनको मकान नहीं मिला, वहां के लोग जो है टीबी के मरीज हो रहे हैं, टीबी के लिए एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, क्योंकि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बैठे हुए लेबर मिनिस्टर थे, वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, यदि ये सब्स्यूम्ड हो जाएगा, यदि यदि जीएसटी जो है ये हो जाएगा, तो इसके बाद स्टेट के पास पैसा चला जाएगा, स्टेट को अपनी सुविधा होगी कि वो बीड़ी वर्कर के लिए, मछुआरे के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए कैसा पैसा खर्चा करना चाहती, हम तो राज्यों को जो अधिकार देना चाहते हैं, केंद्र अपना पैसा किस तरह कंसोलिडेटेड फंड से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उसी तरह से स्वच्छ भारत एक्ट, आपने बहुत बड़ा आंदोलन ये कहा, अगर आप एक मिनट बैठे तो मैं बोलूंगा, जी जी बैठिए बैठिए, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं नहीं ठहर के कैसा बोलूं, आप बैठना, मैं ठहरना ठीक रहेगा। देखिए हम जब लेबर मिनिस्टर थे तो उस वक्त आपको मालूम है सबसे ज्यादा ध्यान देकर हमने काम किया, और जब बीडी वर्कर्स के लिए हाउसिंग का स्कीम था तो हम उसको रिव्यू करके बार बार पूछते रहे, लेकिन आप जैसे नेता अपने क्षेत्रों में काम नहीं करने के वजह से मुझे आज वो भुगतना पड़ रहा है, आप जो मुझे ब्लेम कर रहे हो वो आप ही लोगों ने, क्योंकि हमने तो हर स्टेट को आजादी है और हर स्टेट के मिनिस्टर्स आकर या वहाँ के जो डीजीपी रहते हैं वो यहाँ आकर जो कमेटी में बैठते हैं बैठकर पैसा ले जाते हैं लेकिन काम नहीं करते, लेकिन आप मुझे डायरेक्टली बोल रहे हैं, इसलिए कम से कम आप अपने मत क्षेत्र में उनको बुला के, अब तो आपके दोस्त आए हैं हमारे हैदराबाद के दत्तात्रेय, पूरा का पूरा आप ही पैसा ले लो। चेयरमैन सर मेरी ही बातों को कहा कि ये क्यों रिपील हो रहा है, जब आप राज्य के ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे खड़गे साहब तो ये सेस कलेक्ट करने का क्या मतलब है, जब जब आप राज्य के माध्यम से, यही तो सरकार ट्रांसपेरेंसी से यही तो करना चाहती है, आप हमेशा सारा ब्लेम जो है राज्य के ऊपर डाल देते हैं, और आपने कहा कि जब कमेटी में हम बैठकर आपके पास पैसा ही ले जाएंगे तो आप हमारे जिले को तो सीधा पैसा नहीं दे देंगे, आप वो पैसा जो है डायरेक्ट राज्य को देंगे, और राज्य जो है वो हमारे जिले को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा वो राज्य के ऊपर निर्भर है, तो जब राज्य को ही सब कुछ करना है तो ये पैसा यदि हम जीएसटी में कलेक्ट करेंगे तो सारा का सारा पैसा राज्य को दे देंगे, सेस के आधार पर जो आप एडिशनल पैसा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से तो यह संशोधन होकर आया है। दूसरा सवाल यह है कि जो उस वक्त कंसेंसस नहीं बन पाया, जो शशि थरूर साहब ने कहा, उसके 5-6 पॉइंट थे जो लगातार लड़ाई लड़ती रही, आप समझिए कि, और उसके ऊपर ब्लेम आता रहा कि आप ही की सरकार इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती थी, वो 5 पॉइंट क्या थे कि डिफरेंशियल टैक्स रिजीम ऑन टैक्सेशन ऑफ कंज्यूमर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हैज एडवर्स इंप्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक न्यूट्रलिटी, ये एक पॉइंट था जो सारे वित्त मंत्री जो है वहां लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा कह रहे थे कि फेलियर टू प्रोवाइड फुल टैक्स ऑफसेट टू द बिजनेस फर्म्स लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ चॉइसेस ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियली टैक्स इनपुट्स एंड ऑल्सो इंपैक्ट्स हाउस होल्ड कंजम्पशन, ये दूसरा चीज जो है कांग्रेस उस वक्त जो है उसको सुधार नहीं पा रही थी। तीसरा था कि टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गुड्स विथ एप्ट ऑफसेट टू बिजनेस इज परहैप्स द मोस्ट सीरियस कंसीक्वेंसेस इन सफिशियंट टैक्सेशन सिस्टम, आपका जो टैक्सेशन सिस्टम था वो इतना ट्रांसपेरेंट था, और सारे वित्त मंत्री चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे उड़ीसा के हों, जो हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे थे, क्योंकि हम लोग कंज्यूमिंग स्टेट नहीं है, उसका जो है मामला आप नहीं निपटा रहे थे। आपको पता है कि आज क्या किया भारत सरकार ने, 1.5 करोड़ तक का जो सिस्टम है वो स्टेट जीएसटी को दे दिया,
स्टेट को कहा कि एमएसएमई सेक्टर का जो है सारा सारा आप देखिए 90% जो चीजें हैं वो स्टेट के ऊपर दे दी। स्टेट और सेंटर जब तक मिलेगा नहीं, और आप क्या करना चाहते थे, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बदले सारा का सारा पावर जो है अपने पास रखना चाहते थे, इस कारण से कंसेंसस नहीं हो रहा था। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो है, जैसे हम लोग जैसे राज्य थे, फेस कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज इन अब्सेंस ऑफ डिस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल बोथ बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ए क्रॉस, क्योंकि हो सकता है कि इंपोर्टेड गुड जो है वो सस्ता हो, डोमेस्टिक गुड जो है वो ज्यादा महंगा हो। और पांचवा जो था कि सम स्टेट्स में है मोर कॉम्प्लेक्स टैक्स रिजीम एज कंपेयर्ड विद सम अदर स्टेट्स, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप जो है कोई उनको पढ़ा लिखा नहीं रहे थे कि राज्य का कितना अधिकार होगा, सेंटर का कितना अधिकार होगा, उनके टैक्स ऑफिशियल क्या बात करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कितनी होगी, उनके कितने अफसर हैं, हमारे कितने अफसर हैं, ये दोनों अफसर मिलकर कितना काम कर पाएंगे। इसीलिए जो वैकेंसी की भी बात है वो पार्टी को 10 साल पहले ही आती तो 6-7 साल पहले ही इंप्लीमेंट होता, सबको इसका फायदा होता था। आपने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, बस 2-4 मिनट में मैं खत्म करूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं चेयरमैन सर, जो ये बोल रहे हैं खरगे साहब, मैं उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे बड़े दोस्त बोल रहे थे कल्याण दा, आपके जानकारी के लिए, कि क्या ऐसा कारण है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है हमारे मतलब जीएसटी के फॉर्म में नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी बातें कही, असीम दास गुप्ता का मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, और किस लिए जो है नहीं, मैं उन्होंने जो कहा बातें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आपने क्यों एक्सक्यूज किया 1985 के बैक, उसको रिपील करने के बाद 44 के एक्ट में क्यों ले आए। जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि क्लाउज 14 असीम दास गुप्ता का यह बहुत अच्छा कोट है, बेसिकली इन्वोक्स आर्टिकल 366, इट बेसिकली गिव्स द डिफिनेशन एंड कैटेगरीज, इन डूइंग सो इट सेज एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम हाई स्पीड डीजल एल्कोहल लीकर इफ यू वांट जस्ट से एज मे बी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, दैट इज बिकॉज टूडे वी मे कीप दीज थिंग्स आउट ऑफ द जीएसटी, आफ्टर सम टाइम वी मे लाइक हैव ए फॉर्मुलेशन, सो फॉर ईच थिंग यू हैव टू कम बैक फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। So if we have just the clause, because normally the names of the commodities do not find place in the constitutional amendment, it normally should not, it should be in the CST law. और यही कारण है कि ये जो अभी नया हम changes लेकर आए हैं, उन्हीं के आधार पर लेकर आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब consensus की बात करते हैं कि all political parties supported, all political parties में including communist party supported, उस दिन सलीम साहब बोल रहे थे, सलीम साहब बहुत अच्छा बात कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि असीम दास गुप्ता साहब ने क्या बातें की, और असीम दास गुप्ता साहब ने ये कहा, और यही कारण है कि ये हम चेंजेस लेकर आए हैं कि इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो है किस तरह इसका पार्ट में जो है हमको रखना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लॉ है सर, ये मैंने जैसे कहा फार रीचिंग लॉ, ये ऐतिहासिक लॉ है, और माननीय मोदी जी का जो है गेम चेंजर, पूरे देश भर में इससे और ये गेम चेंज ये होगा, वही गेम चला रहे हैं, गेम चेंजर कुछ नहीं हुआ है। गेम चेंजर इसके गेम ही सेम है, गेम चेंजर उस पार्टी में हुआ है। गेम चेंजर इसके ये होंगे, सबसे पहला चेयरमैन सर गेम चेंजर ये है कि इस लॉ का जब फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो गया है, इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा बात है, इन्फ्लेशन इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका दाम सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है, और जो मार्जिनल फार्मर है, जो मार्जिनल फार्मर जो कि अपना खेती का पैसा नहीं ला पा रहे हैं, उनको उनके लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए मिस्टर महताब लगातार कहते हैं कि दुगुना इनकम कैसे करेंगे एग्रीकल्चर का, तो जीएसटी एक ऐसा लॉ होगा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हर हालत में बढ़ाएगा, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद इसका बर्डन जो है आम गरीबों पर इसलिए नहीं आएगा कि 67% से लेकर 70% जो गरीब हैं उनको भारत सरकार सपोर्ट करेगी, इस कारण से एग्रीकल्चर का जो इनकम है वो भी बढ़ेगा, और जो गरीबों को जो चावल दाल गेहूं, क्योंकि इस पे जीरो टैक्स आपको पता है कि आने वाला है, इस कारण से दोनों जो है विन विन सिचुएशन में होंगे, और जब यह सिचुएशन होगा तो निश्चित तौर पर इन्फ्लेशन नहीं होगा। दूसरा जो जीडीपी है, जिसके आधार पर कि आपको कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है तय करती है कि आपका जीडीपी क्या है,
और सारे एस्टिमेट ये कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे 13 फाइनेंस कमीशन हो, चाहे केलकर साहब की रिपोर्ट हो, उन सबों ने ये कहा कि जो इसका जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ 0.9% से लेकर 2% तक जीडीपी ग्रोथ होगा। जीडीपी ग्रोथ यदि होगा तो इसका मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा, और सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ज्यादा पैसा खर्चा कर सकेंगे, हेल्थ में, एजुकेशन में। केवल 2-3 पॉइंट में खत्म कर लूंगा। इसके बाद एक्सपोर्ट के लिए सर, कि जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए एक्सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और एक्सपोर्ट के लिए क्या होता है कि बाहर से जो इंपोर्ट होता है उसका प्राइस और जो डोमेस्टिक प्राइस है, इसके प्राइस में जो है जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए ये जो एक्ट में चेंज किया गया है, इसमें एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा पड़ेगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसको कैसे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, यदि आप जाएंगे होटल में ही यदि आप जाएंगे सर, तो आपको जो है 50 तरह के टैक्स जो है आपको नजर आएंगे, और एक केवल एक 10 रुपया का खाना खाने के लिए आपको 8 रुपया का टैक्स लगता है, और किस किस तरह के टैक्स लगते हैं वो सारा टैक्स यदि इसके अंदर यदि मिल गया, तो इसके बाद आपको एक डायरेक्ट टैक्स दिखाई देगा कि हम 18% टैक्स दे रहे हैं, हम 28% टैक्स दे रहे हैं, हम 12% टैक्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो इस टैक्स के साथ आ जाएगा। और इसके बाद जो उसके बाद हम जैसे मिनरल वाटर है सर, बाहर में 10 रुपया में मिलता है, लेकिन यदि हम होटल में जाते हैं तो 100 रुपया से कम में नहीं मिलता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 90 रुपया हम जो है टैक्स पे करते हैं एक बोतल पानी के लिए, तो ये होगा। और दूसरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज इसकी कमी है, जो इन्वेस्टमेंट आना है, जो मेक इन इंडिया के लिए भारत सरकार स्टैंडअप स्टार्टअप के लिए जो चिंतित है, तो इसके कारण ये चीजें होंगी। और टैक्स लॉ में ये जितने संशोधन हो रहे हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हो रहे हैं, इसको वर्ल्ड बैंक भी स्वीकार कर रहा है, इसको IMF भी स्वीकार कर रहा है। इसीलिए ये जो संशोधन है, ये जो सरकार संशोधन लेकर आई है, ये सारे एक्ट को रिपील करने के लिए, हम इसका समर्थन करते हैं, और सबों से आग्रह है कि इसका समर्थन करें। इसमें बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।